सच है होंठों से बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। जोड़ तोड़ के परिवार बनाया, कहीं से माता कहीं से बहन को लाया, ए वक्त ने भी क्या क्या खून न खाया, पर बड़ा प्यार के खातिर करना बीवी हाथ से छोटी वरना। सजन रे झूठ मत बोलो, झूठ ही कोई झूठ है, इसमें भलाई भरपूर है, ये वक्त के हाथों मजबूर है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अरे राजू के बच्चे कहाँ है, तू शाम के 7 बज रहे। पूना किसी दूसरे की शादी में स्टैंड अप कॉमेडी करने गया। रुक रुक कहाँ पहुंचा, पहुंच गया तू पूना? अबे गधे की औलाद, 2 दिन बाद यहाँ मेरी शादी है, मेरी शादी खतरे में पड़ जाएगी ना। अच्छा सुन सुन, देख मैं तेरे अंदर के कलाकार को चांस दूंगा, मैं चांस दूंगा, मेरी शादी में तेरा एक फर्स्ट क्लास कॉमेडी आइटम रखेंगे, लेकिन भाई अभी आ जा। हेलो ओ भाई कहां से आ रही हो? मेंडोर से। क्या 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 पराक्रम करके आ गए? पराक्रम नहीं किया दादा, वो तुली का पराक्रम किया है, उसके बाद वो सब्जी वाला पराक्रम किया है, वो सब्जी वाला के बाद पूरा मार्केट मिल के पराक्रम किया हमारे ऊपर। तूने चोरी की? चोरी की तूने? चोरी नहीं किया दादा, वो तुली का चोरी किया है, हम उसको रोकने के लिए उसके पीछे भागा, वो सब्जी उठा के भाग रहा था, सब लोग हमको चोर समझ रहे दादा, पूरे सब्जी वाला लोग ने मार्केट के सब लोग ने हमको मिल के बिना वॉशिंग मशीन के ड्राई क्लीन कर दिया। भैया उसे उसे ये क्या, कहाँ जा रही है तू? क्या बोल रही है? इसका धुलाई हो गया ना, मैं लाल दवा लेके आती हूँ। लाल दवा? तूने सब्जी चुराई या नहीं? एक मिनट ए तू चुप ना, ये देखो इतनी सब्जी का हड़ा मेरे से 1000 रुपया मांग रहा था, तो मैं कैसे देती उसको? बोलो तूने सब्जी चुराई या नहीं? तू बोल। ये देखो ये आलू 40 रुपया किलो, ये कांदा 40 रुपया किलो, ये टमाटर 40 रुपया किलो, ये गवार 45 रुपया किलो। क्या बात करता है, 45 रुपया का किलो? हाँ। ना, 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 ना। जब दादा हम बचपन में छोटा था, हम पढ़ने जाता था, हमारा मास्टर जी हमको बोलता है तू जिंदगी भर गवार का गवार रहेगा, 2 पैसे का भी इज्जत नहीं होगा तेरा, मगर देखो दादा आज गवार का इज्जत 45 रुपया का किलो हो गया। ओ हाँ, ये भुट्टे की जोड़ी 60 रुपया की जोड़ी। अपूर्व भाई इन सब का हिसाब लगाने जाओ ना तो महीने का 15,000 रुपया होता है, और एक आम आदमी तो बेचारा 15,000 रुपये महीने का कमाता है, अब ऐसे में बेचारा खाना कैसे खरीदेगा, बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा, बीमार माँ बाप की दवा दारू कैसे करेगा, और घर कैसे चलाएगा? मैं ऐसी नाइंसाफी हरगिज़ सहन नहीं कर सकती। बस देख परेश, तुलिका के बात में भले ही सच्चाई हो, लेकिन उसने चोरी की है। कितने पैसे देने तुझे सब्जी वाले को? दादा सब्जी वाले को तो हम पैसा देके आए। तुम्हारे पास कहाँ से आ गए पैसे? हमारे पास था दादा पैसा, दादा अगर हम सब्जी वाले को पैसा नहीं देता वो लोग तो हमको मारता मारता बांगले तक आ जाता, तो फिर अंकल के सामने तुम्हारा सब भांडा फूट जाता, तुम्हारी क्या इज्जत रहता, फिर हम दे दिया। थैंक यू परेश, कोई बात नहीं दादा, मेरी इज्जत बचाई, ले पैसे ले।
ना ना ना, हम तुमसे पैसा लेगा क्या? तुम तो हमारा भाई है बिल्कुल, वो भी सब्जी का पैसा लेगा। इंडिया में एक गुजराती दूसरा गुजराती से सब्जी का पैसा लेगा। तू गुजराती है? क्यों दादा, एक घर में गुजराती का रोल करता है ना हम, उसका एक्टिंग का पैसा तो देगा ना हमको दादा। तू बुला रहे? ए पल्लवी सा, ये साड़ी ना मैं शादी में पहनने वाली हूँ, कैसी लग रही है मुझ पे? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा पुराना किताब में नया कवर चढ़ा दिया है। परेश जी, मैं समय हूँ। यदि आपकी जगह कोई सद्पुरुष होता तो स्त्री का सम्मान करता। यदि कोई सन्नारी अपने परिधान के बारे में पूछती है तो सद्पुरुष का कर्तव्य बनता है कि वो उसकी प्रशंसा करे। प्रीति जी, ये साड़ी आप पर। पंकज जी, थैंक यू सो मच। किंतु हमने तो अभी तक प्रशंसा की ही नहीं। एप्पल साहब, इनसे कहिए कि प्रीति जी को इनकी तारीफ बिल्कुल नहीं सुननी, उनका पेट भर चुका है। अगर आप चाहें तो आप हमारी चूड़ियों की तारीफ कर सकते हैं। ए, 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 तो हम तुम्हारा पति है, हमसे पूछो, हम तुम्हारा तारीफ करेगा। तुम्हारा साड़ी खूब भालो दिखता है। वो भालो, वो साड़ी की नहीं चूड़ियों की बात कर रही है। हाँ ठीक है, वो भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिखता है। तुम्हारा चूड़ी बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा कांच का लाल रंग का हथकड़ी बना दिया हो। थैंक गॉड ये बंगाली चोर तुम्हारा असली का पति नहीं है। अगर असली में पति होता ना तो तारीफ कुछ इस तरह करता। पल्लवी, हम क्या बोलता है कि हम तुम्हारे बालों के जेल में कैद हो जाएगा। ए, हमारा नौकर क्यों करता है तुम? अच्छा लगा? बहुत हो गया हंसी मजाक, अब हमें ये बताया जाए कि हमारे लिए कौन सी साड़ी का इंतजाम किया गया है। मैं क्या बोलती हूँ, वो राजू आपके पति का रोल कर रहा है ना, तो उसको पूछने का, वो ही बताएगा क्या पहनने का है। एक मिनट, पर राजू है किधर? वो सुबह से दिखाई नहीं दिया। अरे वो पूना गया है किसी की शादी में स्टैंड अप कॉमेडी करने। और तुमने उसे जाने दिया? डोंट वरी, मेरी शादी तक आ जाएगा वो। अरे लो आरती आ गई। अपूर्व लाओ रिमोट मुझे दे दो। अरे नहीं भाभी, अब तो अपूर्व भाई के रिमोट का कंट्रोल सीधा आरती भाभी के हाथ में जाएगा, और देखना वो जैसे ऐसे बटन दबाएंगी ना तो अपूर्व भाई ऐसे एकदम यस डार्लिंग, आज मैं तुम्हें पिक्चर देखने ले जाऊं, फिर दूसरा बटन दबाएंगी ना तो अपूर्व भाई बोलेंगे डार्लिंग आज डिनर लेते हैं। तुलिका दीदी, लेकिन आपके भैया बड़े चालाक हैं, वो तो रिमोट छिपा देंगे, तो मैं क्या करूंगी? अरे तुलिका, अपनी भाभी से कहो कि उन्हें किसी भी रिमोट की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हुक्म करेंगी ना तो हम उनके इशारों पर नाचने के लिए तैयार। लेकिन आपके भैया से कहिए नाचने के बाद कहीं वो हमसे पैर तो नहीं दबवाएंगे ना। अरे तुलिका, अपनी भाभी से कहो। हम क्या बोलता है, ए तुम बाजू में खड़ा है फिर एक दूसरे से इनडायरेक्ट बात क्यों करता है, डायरेक्ट बात क्यों नहीं करता है, और देखने में ऐसा लगता है जैसे तुम पल्लवी का नकल कर रहा है। ए परेश भैया, ये लोग किसी की नकल नहीं कर रहे, रोमांस कर रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको रोमांस बोलता है? हाँ। वैसे आप दोनों बहुत नसीबदार हो, आप दोनों को एक साथ रहने को मिल रहा है, ऐसे नोक झोंक करने को मिलता है, बाकी हमारे कबीले में तो। मतलब हमारे वो हमारे में ऐसे शादी के पहले दूल्हा दुल्हन को देखने भी नहीं देते एक दूसरे की शक्ल। लेकिन इसीलिए आरती एक मामले में अनलकी है। वो क्या? शादी के दिन जब दूल्हा घोड़ी पे आता है तो दुल्हन और उसकी सहेलियां उसका इंतजार करती है, और फिर दुल्हन उसे देखकर कहती है हाय दैया वो आ गए, और फिर चुपके से पर्दा हटाकर दूल्हे को देखती है। कौन लाया? क्या हुआ सर? वो भुट्टा फोन लिया है। अंकल मेल आई। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? आ,
अरे तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। अभी हरिराम को कहता हूँ और वो एक बुट्ठा सिखवाता हूँ। हरिराम को क्यों समझे जी? अरे बहुओं वाला घर है तो बहू से कहते हैं प्रीति प्रीति बहू जाकर बूटे से कर ले आओ। हाँ हाँ तो क्या कह रहे थे सर आप? मैं जी मैं क्या कह रहा था? समझे जी, बैठिए ना बहू, उठो वहां से। ओ काका, वो आइटम मेरा मतलब प्रीति भाभी को किधर देखा क्या? काका ये क्या कर रही? अबे आइटम तू कर क्या रही है बे? अरे रेसिपी बुक ढूंढ रही हूँ यार। क्या रेसिपी बुक? प्रीति तू तो देश की सबसे बड़ी डोबी है यार। अच्छा, अबे भुट्टा सेकने की रेसिपी किसी बुक में नहीं लिखी होती है। मुझे पता है, लेकिन मैं भुट्टा सेकने की रेसिपी बुक नहीं ढूंढ रही। तो फिर? अरे गैस चालू नहीं हो रहा यार। प्रीति सॉरी रे, मैं तेरे को देश की सबसे बड़ी डोबी बोला हूँ। इट्स ओके। नहीं तू तो दुनिया की सबसे बड़ी डोबी है। गैस चालू करने की रेसिपी किसी बुक में नहीं लिखी होती है, उसके लिए लाइटर ढूंढ लाइटर। ओ काका देखो, ओ कान की मशीन। कानपुर में हड़ताल है इसके तो किधर है? काका काका इस घर में माचिस और लाइटर का इको नहीं है। देखो हमको अंकल के लिए भुट्टा सेकने का है, हाँ लाइटर के बिना गैस कैसे चालू करेंगे बोलो। ऑटोमेटिक है ये। प्रीति जब भुट्टा सेक कर लाएगी ना तो मेहरबानी करके कोई मुझसे मांगना मत। क्या बात है सर, आपको भुट्टा इतना पसंद है? ये भुट्टा जो है ना मेरी जिंदगी की कहानी से जुड़ा हुआ है। फिर तो हम सभी सुनना चाहेंगे वो कहानी, कृपया सुनाइए ना। ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान हुआ करता था। पिताजी एक लड़की दिखाने के लिए मुझे गोकुलधाम सोसाइटी ले गए थे, हरी भाई की बेटी उषा को देखने के लिए। जैसे हम सोसाइटी में पहुंचे तो हमें वहां एक लड़की मिली जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे, दुपट्टा लहरा रहा था और वो भुट्टा खा रही थी। हमने हरी भाई का पता पूछा तो उसने भुट्टे से ही इशारा करते हुए हमें बता दिया। हम लोग मुड़े हरी भाई के घर जाने के लिए तो दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा और यही कहने लगा कि किसी तरह अब हिम्मत बटोर कर मैं अपने पिताजी से कह दूं कि मुझे उषा से शादी नहीं करनी है, मुझे इसी लड़की के साथ शादी करनी है। लेकिन हिम्मत नहीं हुई और हमें ऊपर जाना ही पड़ा। वो तो है अंकल जी, एक ना एक दिन तो सबको ऊपर जाना है। भैया उसको बराबर ताप लगना चाहिए। क्या कर रही है तू? अच्छी तरह से फेरो फेरो के एकदम लाल होना चाहिए। क्या लाल? ए लाइव कमेंट्री, मैंने देखा है फेरी वाले के यहाँ ये भुट्टा कैसे बनता है, समझी? मैं तो आंखें बंद करके भी भुट्टा सेक सकती हूँ, ये देख। हम वहां जैसे ही पहुंचे तो वही लड़की लाल साड़ी और लाल चूड़ियां पहनकर मेरी तरफ आ रही थी। हाथ में इतनी बड़ी लाल ट्रे थी जिसमें एक लाल कप था जिसमें लाल चाय थी, साइड में लाल प्लेट थी जिसमें लाल मिर्च से लगा हुआ एक भुट्टा था। हाँ? वही उषा थी। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। मैंने कहा मुझे भुट्टे बहुत पसंद है तो उसने फौरन कह दिया फिर तो हमारी जोड़ी खूब जमेगी। बस और क्या था, चट मंगनी पट ब्याह। नींबू मिर्च और नमक लगाए हुए भुट्टे की तरह हमारी बाकी की जिंदगी गुजरी, खट्टी मीठी और नमकीन। ओए,
देख तेरा भुट्टा नहीं सीखेगा। चल कुकड़ी, जितना ये भुट्टा नहीं जल रहा ना, उससे ज्यादा तू मुझसे जल रही है। देखिए, मैं जलेगी कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, पर तेरा गैस नहीं जल रहा है। अरे अरे यार, लगता है गैस खत्म हो गई। अब फिर एक दिन उषा मुझे छोड़कर चली गई। बस वो दिन और आज का दिन, जब भी भुट्टे को देखता हूँ मुझे वो याद आ जाती है। कितनी मुश्किल कहानी है। काश काश उषा का रोल मुझे मिलता। जी हाँ? क्या 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 रही हैं आप? क्या माँ ये कहना चाहती है कि उषा आंटी जैसी जिंदा दिल इंसान वो क्यों नहीं बनी? नहीं नहीं, वो तो कुछ एक्टिंग की बातें कर रही थी। जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब उस रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथ से बंधी हुई है। कौन कब कहां कैसे हंसता है या रोता है ये सिर्फ वो जानता है। आनंद जी, देखिए आपने आनंद हुआ yeah. कितने उच्च विचार, कितनी गहरी बात कही तुमने बेटा। थैंक यू ऋषिकेश मुखर्जी जी। वैसे समदन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे भुट्टा तैयार हुआ कि नहीं? हाँ, भुट्टा अभी तक क्यों नहीं आया? कमाल का टाइम लगा लिया है ना। मैं अभी देख कर आता जी। चल छोड़ यार, अंकल को बोल देते कि गैस खाली हो गई है, नहीं कर सकते। चल ये तुलिका, अगर हम इस पे काजल डाल दे तो काला काला लगेगा, अंकल को कुछ पता नहीं चलेगा। खाने के बाद पता नहीं चलेगा के? चल। आपने सुन लिया क्या बेटा? यही कि गैस खत्म हो गई है। गैस खत्म हो गई? तेरी की भुट्टा खाने को नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हेलो गोविंदा, कहाँ से आ रही हैं? मंदिर मंदिर गई थी ना मैं, आज वो शुभ दिवस है ना, चूल्हा स्थापन करना है। चूल्हा स्थापन? चूल्हा तो ऑलरेडी स्थापित हो चुका है, फिर चूल्हा स्थापन क्यों? हाँ, जो स्थापित चूल्हा होता है उसी का पूजन करना है। क्या है कि घर में जब ऐसा शुभ कार्य होता है ना, शादी ब्याह जैसा, तभी जो बाराती आते हैं उन्हें खाना खिलाना पड़ता है ना, तो वो जिस चूल्हे पर वो खाना बनता है उसकी पूजा की जाती है, इसलिए ये कार्य करना होता है। वाह समदन जी वाह, उच्च विचार उच्च विचार। आज आप चूल्हे की स्थापना कर ही दीजिए और कंसार कंसार बनाइए, वो बड़ा शुभ होता है। क्या होता है? शुभ होता है ना, शुभ तो होता है, होता क्या है? कंसार जो है वो घेहूं और गुड़ का बनता है, ऊपर बहुत सारा घी भी डलता है और हर शुभ अवसर पर कंसार ही खिलाया जाता है। बस तो आज आप अपने शुभ हाथों से कंसार बनाइए। कंसार? मैं फटाफट नहा लेता हूँ और फिर माँ के हाथों का बना हुआ कंसार खाते हैं। समदन जी आप सचमुच एक आदर्श माँ है। ये धीरू भाई के सामने आप ब्लंडर पे ब्लंडर क्यों कर रही हो? ये आप क्या बोल रही थी, ये चूल्हा स्थापित करना? इम्प्रोवाइजेशन। क्या है, हम सब यहाँ नकली है। हाँ, नकली है, अपूर्व की फैमिली बनने का नाटक कर रहे हैं, तो नाटक हमेशा सच्चा लगना चाहिए। अब आप असली का कंसार बना सकती हैं? उसमें कौन सी बड़ी बात है, एकदम सिंपल है, किसी अच्छे हलवाई से मंगवा लेना। अरे यार ये कंसार, ये सुन परेश आओ। नहीं नहीं नहीं, कुछ ले कुछ ले। पंकज तुम कंसार ले आओगे? अवश्य। हाँ प्लीज, किसी हलवाई से जाकर कंसार ले आना, वरना मेरा संसार डूब जाएगा भाई। आप चिंता मत कीजिए अपूर भैया, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं सीधा यहाँ से रिक्शा पकड़ूंगा। बस बस बस, समय नहीं है मेरे पास इतना। सर। यस मंजी,
सर पूर्व वो चूल्हा स्थापना की पूजा खत्म हो गई हो तो चलो फिर घनसार खाते हैं, भूख लगी है भाई। जी 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 पंकज भैया बाहर गए, वो आ जाए तो फिर। पंकज बाहर गया है? जी हाँ बाहर गया, बस आ जाएंगे तो घनसार अरेंज हो जाएगा। क्या घनसार? टेबल पे, बस 10 मिनट में मैं बुलाता हूँ आपको। ओके ओके ओके। कमाल इधर जाना है ना आपको। मालिक ये लीजिए पर्ची। क्या है? बाहर गैस सिलेंडर वाला डिलीवरी देने आया है। अच्छा 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 ये ठीक है मालिक, 10 रुपए और दे दीजिए, उसको इनाम देना है। गुड वेरी गुड। वो क्या है ना कि कल रात को सिलेंडर खत्म हो गया था, इसलिए वो इमरजेंसी में लेके आया। कल मतलब प्रीति भाभी जब वो भुट्टा सेक रही थी तब सिलेंडर खत्म हो गया? हाँ मालिक, वो भुट्टा अभी भी आधा सीखा पड़ा है। हरिराम हमारे घर में कितने सिलेंडर हैं? एक ही सिलेंडर है मालिक। ठीक जा। अपूर्वा कल रात को गैस खत्म हो गई और नया सिलेंडर अब आया है तो घर में खाना पका कैसे? जी सर बस कंसार आ गया है, 2 मिनट में खाना लग जाएगा। मुझे नहीं खाना है। क्यों सर? तुम्हारे पूरे परिवार को इकट्ठा करो, मुझे उनसे एक सवाल पूछना है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.